नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूं, आप जुड़ चुके हैं एग्जामपुर आईएसपीसीएस के साथ। दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीकी के कार्यक्रमों में हम लगातार अपने इस बेहतरीन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके साथ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा कर रहे हैं जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ोतरी देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है और आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार है। चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान एवं तकनीकी के इस महत्वपूर्ण पहलू को, जहां पर हम बात करते हैं ऐसे सवालों को लेकर के जो हमारे आसपास या तो सवाल आ चुके होते हैं अथवा आ सकने वाले होते हैं। तकरीबन सवालों की क्षमता काफी ठीक ठाक होती है और उनकी जो एक विश्लेषण भूमिका हम दिखाते हैं आपको, इन सवालों के थोड़ा आगे, इन सवालों के थोड़ा पीछे, जिससे कि हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द और कौन से सवाल बन सकते हैं उनकी भी बेहतरीन चर्चा करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी कॉपी भी मेरे साथ बना रहे होंगे। मैं आपसे फिर से आपको आश्वस्त कर दूं कि पूरा का पूरा विज्ञान हम इन्हीं सवालों के आधार पर गुजारेंगे, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपके लिए, है ना। होता क्या है कि यूट्यूब पर कुछ क्लासेस चलते हैं उसके बाद बंद हो जाता है, ऐसा नहीं। ये जो हमारी क्लास है अनवरत और एक लगातार रेगुलर बेसिस पे, जब तक यह समाप्त नहीं हो जाता विज्ञान एवं तकनीकी, तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। तो मान के चलना ये एक बेहतरीन ऐतिहासिकता की बात होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी के धार को, अपनी कलम की जो रफ्तार है उसे रोकिएगा नहीं, बल्कि मेरे साथ बना के चलेगा। तो चलते हैं सीधे जीव विज्ञान या यूं कहें कि सामान्य विज्ञान और तकनीकी में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, जिसे हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में ऐसे कौन से सवाल अभी तक आ चुके हैं और उनकी दृष्टिकोण कैसा होता है, खास करके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में और अन्य राज्य स्तर की परीक्षाओं में। मेरे दोस्तों, क्लियर कर दूं कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे सवाल शामिल नहीं किए हैं जो सीधे तौर पर यूपीएससी पूछा करता है अक्सर। हाँ, एक दो सवाल ऐसे हैं जो यूपीएससी स्तर के हैं, लेकिन फिर भी स्पष्ट कीजिएगा कि जो सत्र है, जो क्लास है, ये राज्य स्तर की परीक्षाओं और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रोग्राम को पूरी तरह से कवर करने की क्षमता रखती है। तो बस मेरे साथ बने रहिए और तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी के दूसरे सेगमेंट में, यानी दूसरे सत्र में हम सवालों को शामिल करते हैं। चलिए, ठीक है, किसी का आंसर नहीं देंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी ना, तो इसे तुक्के की आवश्यकता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए चिंता आप ना करें, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी चिंता ना करें, हर कोई हमसे हमारे साथ जुड़ा रहे और हम एक, ठीक है सर, आरोही करण की कोई बुक बता दीजिए, रवि कुमार पूछ रहे हैं। आप बस लगातार जो हमारे यहाँ करंट चलता है उसको देखते रहें और बुक के आधार पर आप बस न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते रहें और कोई एक मासिक पत्रिका ले सकते हैं जो आपके बाजार में बिकती है, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, हाँ आपको भी हेलो है, ठीक है। शिवाली हैं, सिंपी हैं, प्रियंका हैं और शंकर प्रजापति, दंडवत प्रणाम, अरे वाह क्या बात है, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए मिस्टर दीप सर, नौ वाली क्लास नहीं होगी क्या? नौ वाली क्लास अभी संजन सर ले रहे हैं और टर्मिनोलॉजी क्लास है, तो लगातार हम ही एक टर्मिनोलॉजी नहीं ले सकते, तो और बहुत से अध्यापक हैं, अभी हमारे जो आदरणीय संजन सर हैं वो कवर कर रहे हैं उसको, तो मैं जल्दी आऊँगा वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, किरण यादव, सिंपी शुक्ला, हेलो, प्रियंका कश्यप, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। शिवाली अरिल वर्मा, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल पहला देखते हैं। तो जिस तरह से अभिवादन शुरुआती में होता है उसका दौर अब बीता और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को प्रश्नों के साथ अभिवादन करना चाहिए, है ना। ठीक है दोस्त, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेगुलर होते हैं मेरे साथ और वो आ जाते हैं और आपकी तैयारियों को मैं आगे बढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो बस अब बने रहिए और अभी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं कंटिन्यू, और जुड़ते रहिए और कार्यक्रम को आगे हम लोग ले चलते हैं। चलिए सवाल नंबर पहला है, क्या कह रहा है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और इसके बारे में जान पाएंगे, ये यहाँ पर डाली लिखा हुआ है। तो सवाल जो पहला है उसको देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि आखिर इस सवाल की जो स्थितियाँ हैं वो क्या है। लिखा है कि मानव के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव था। यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि मानव ने ऐसा कौन सा जीवित जीव बनाया था जिसे उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उस जीव के जीन के स्तर पर बदलाव करके उसमें कुछ ऐसा परिवर्धन या कुछ ऐसी जो नई चीजें डाल दी थी जिसके जरिए उस जीव में कुछ नए गुण आ चुके थे, तो वो कौन सा जीव था। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब अभिवादन बहुत से आपके आ रहे हैं दोस्तों, मैं क्या करूं, अब हम सीधे क्लास पर आते हैं। सर मेरा नाम तो नहीं लिए, उमेश यादव, आपका नाम क्यों नहीं लूंगा मैं, है ना। इशिता रावत, ठीक है, श्री और ध्रुव चौधरी, काफी लोग आ चुके हैं, सबका मैं नाम ले रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मैं नाम ना ले पाऊँ तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हम लोग क्लास करते हैं सीधे तौर पर। तो यहाँ पे लिखा है मानव के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित जो जीव था पहला वो कौन सा था, उत्तर होगा डाली। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डाली नामक भेड़, आपको याद होगा कि इस तरह की खबरें अक्सर आपने सुनी होगी, उसके बारे में जाना होगा आपने। तो डाली नामक भेड़ जो होती है ना,
मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो डाई नामक भेड़ था उसकी मैं बात बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये है क्या और किस बारे में, इसके बारे में जानना है वो सारी बातें आप देखिएगा। तो हाँ, वन का ए आपके लिए महत्वपूर्ण है, वन का ए आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे लगाइएगा और इसके बारे में जानिएगा, ठीक है। वन का ऐसा ही है, तो इसको थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, इसकी व्याख्या कर ले हम लोग, ठीक है। बिल्कुल पढ़िए नाम में क्या रखा है, सही कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या समझिएगा और जानिएगा। देखिएगा, जो जीवधारी होते हैं है ना, उनमें जब हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने नाम सुना क्लोन का, क्या आपने क्लोन का नाम सुना है दोस्तों? इस धरती पर जीवधारियों की बड़ी संकल्पना है और प्रत्येक जीवधारी अपनी ही जैसी संतान, अपनी जैसी संतत उत्पन्न करने की चेष्टा करता रहता है। दो प्रकार की जनन प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो लैंगिक जनन प्रक्रिया होती है और दूसरा अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है, यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करता है। अब उन्हीं में से अगर मानव की बात की जाए तो मानव लैंगिक जनन प्रक्रिया के तहत अपनी संतति को आगे बढ़ा रहा होता है। अब ऐसे ही जो बड़े जीवधारी हैं ये भी तकरीबन लैंगिक जनन ही करते हैं, है ना। अब यहां पर सवाल आता है कि ये क्लोन की बात क्या है। क्लोन का नॉर्मल सा बात है कि एक जीवधारी के जैसा ही हूबहू उसी के शक्ल का, उसी की व्यवस्था का एक नया जीवधारी बना दिया जाना। इसमें होता क्या है कि एक टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और इसी सोमैटिक सेल का उपयोग करते हैं। एग्जैक्टली हमारी सोमैटिक सेल में 46 गुणसूत्र मिल जाते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र मिल जाते हैं और किसी भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इन 46 गुणसूत्र के सहारे से, क्योंकि आपको पता है कि 46 गुणसूत्र का मतलब है 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र तो ऑटोसोमल होते हैं और जो अंतिम 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम नाम देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो अब हमारे पास चूंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र हो चुके हैं किसी भी सोमैटिक सेल में, तो अब 46 है या 23 जोड़ी है, इसमें हम ऑटोसोम्स और साथ ही साथ सेक्स क्रोमोसोम दोनों एक साथ पा लेते हैं। अब ऐसी दशा में किसी भी प्रकार के सोमैटिक सेल का उपयोग करके, किसी भी प्रकार के सोमैटिक सेल का उपयोग करके हम सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम क्लोन बना लेते हैं। जो डाली है यह दुनिया का पहला एक जीवधारियों का क्लोन बना, या यूं कहें कि जानवरों का क्लोन बना, और इसे स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे इयान बिलमट और उनकी टीम ने डाली भेड़ का निर्माण किया था, या डाली भेड़ के क्लोन को बनाया था। और ये काफी लंबी अवधि तक रही, हालांकि बाद में इसे इच्छा या दया मृत्यु देना पड़ा क्योंकि डाली भेड़ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। हालांकि इसके जरिए कम से कम 5 से 6 बच्चे तब तक उस पूरी अवधि में पैदा किए गए और ये लंबी अवधि तक अपना जिंदा भी रही, लेकिन अंत में इसे मान के चलो कि इसे दया मृत्यु दी गई, कारण कि ये बहुत ज्यादा पैरालिसिस हो चुकी थी। तो मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में और क्या समझेंगे। तो भारत पहला क्लोन, यानी कि विश्व का जो पहला क्लोन बना, ठीक है, विश्व का पहला जो क्लोन बना वो वाकई में एक भेड़ का क्लोन था। क्या था? एक भेड़ का क्लोन था जिसका नाम था डाली। तो अब आपको याद होगा डाली को मैंने क्यों समझाया। ये दोस्तों सन 1996-97 की बात है। कब? 1996 में। तो बहुत दिन नहीं हुए, अभी पास की बात ही है, 1997 की बात है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हुआ करते थे, स्कॉटलैंड, आप इसे नोट करते चले, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, और उनका नाम था इयान विलमट। क्या नाम था? इयान विलमट और इनके साथियों ने मिलकर के, इयान विलमट और इनके जो साथी थे, इन लोगों ने मिलकर के डाली भेड़ का निर्माण किया, है ना, या डाली भेड़, डाली नामक भेड़ के क्लोन को बनाया। और इस तरह से दुनिया ने पहली बार अस्पष्ट तरीके से एक लंबी अवधि तक चलने वाले किसी भी जीवधारी के क्लोन को देखा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं दोनों दोस्तों कि डाली भेड़ भले ही दुनिया की पहली क्लोन है, लेकिन सबसे पहला जो क्लोन प्रयास किया गया था बनाने का वो था मेढक का,
यूनाइटेड किंगडम में यूके में सबसे पहली बार मेढक के क्लोन को बनाने की व्यवस्था पर शुरुआत की गई थी। तो अब कहीं अगर आपको भेड़ या ना मिले, अगर आपको मेढक मिल रहा है तो आप सीधे क्या लगाएंगे, मेढक पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, बस आप इसे सुनते रहें और समझते रहें, हर एक बातें आपके लिए बहुत ही काम वाली चीजें हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तरीके का विज्ञान एवं तकनीकी का टॉपिक है जिसे मैं आपके स्तर तक यानी कि आपकी परीक्षा के स्तर तक उतर करके बहुत ही सरल सहज भाव में बता रहा हूं। तो बस इसे नोट करते चलें और सवालों को अच्छे तरीके से समझते चलें। तो मैंने आपको समझाया कि पहला जो क्लोन है वो किसका बना, मेढक का बनाया, बनाने का प्रयास किया, लेकिन ये एक यूं कहें कि इसमें एक धनात्मक सफलता मिली ऐसी कोई बात नहीं थी। वास्तविक सफलता हमें डाली भेड़ से ही मिली थी। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे जो अगर वैश्विक स्तर पे बात करें तो चाइना ने दो बंदर बनाए थे, उनका नाम था झोंग झोंग और हुआ हुआ। आपको हो सकता है खबरों मिला हो कि चीन ने दो बंदर बनाए, उनका नाम है झोंग झोंग और हुआ हुआ, झोंग झोंग और हुआ हुआ, आपने खबरों में पढ़ा होगा। तो एग्जैक्टली बंदर का क्लोन बनाना, एक तरीके से हम मानव के क्लोन को ही बना सकते हैं, और मानव के शरीर पर किसी प्रकार से अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग करना या ह्यूमन क्लोन बनाना कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से उसे माना जाता है। पर दुनिया में मानव क्लोन बनाने पर बैन है, यानी कि मान के चलो कि ह्यूमन क्लोन बनाना खासकर मानव प्रजाति के लिए काफी नुकसानदायक होता है। क्योंकि चाइना ने झोंग झोंग और हुआ हुआ दो बंदरों के क्लोन बना लिया, इससे जो वैश्विक जगत है वहां के वैज्ञानिक हैं लोग, उनको थोड़ा सा चिंता व्यक्त हुई। कारण कि अगर हम बंदर का क्लोन बना सकते हैं तो मनुष्य का क्लोन, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ द क्लोनिंग सिस्टम, यू नो देन यू कैन कॉल द मेन टेक्नोलॉजी ऑफ द सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ द क्लोनिंग सिस्टम, आप ये बता सकते हैं। ठीक है ना, तो दो बंदर बने और जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट गया। हालांकि वहां की जो चीन की कंपनी है या चीन के जो वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट, उनका कहना था कि इसके जरिए हम मानव से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये बातें हुई। एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में एक जगह करनाल है, आप में से मुझे लगता है कि हो सकता है कोई करनाल से जुड़ा हो, कहां पर है, किस राज्य में, आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छा, मजा आ रहा है नाम सुन के। ठीक है, चूंकि चाइना नेम है ना इसलिए मजा आ रहा होगा कोई। तो करनाल में हमारे पास NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको याद होगा। ठीक है, तो मैं और एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ करनाल में NDRI है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में क्लोन के जो कार्यक्रम है, हाँ बिल्कुल, भारत में जो क्लोन के कार्यक्रम है वो मनुष्यों पर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जीवधारियों के क्लोन यानी कि जानवरों के क्लोन बनाए जा सकते हैं। और हम लोगों ने दुधारू पशुओं और मांसाहार जीवधारियों के, ठीक है, हरियाणा में, किरण यादव ने लिख दिया कि जो करनाल है वो हरियाणा, बिल्कुल, तो हरियाणा करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक तरीके से हमारे पास संस्थान है जहां पर जानवरों के क्लोन बनाए जा रहे हैं, खास करके भैंसों के क्लोन, कटड़ों के क्लोन होते हैं उनके क्लोन बनाए जा रहे हैं, या हम अन्य गायों के क्लोन बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो मान के चलना कि हमारे यहाँ जो NDRI है यहाँ पर कई सारे क्लोन बनाए गए। 2007 में भारत में पहली बार तकनीकी तौर पर क्लोन की शुरुआत हुई थी। कब? 2007 में भारत में क्लोनिंग तकनीकी का एक, यूं कहें कि एक व्यापक विस्तार हुआ, शुरुआत हुआ कहाँ से, NDRI से। और 2009 में भैंसे का पहला क्लोन बना, इसका नाम था गरिमा, आपको याद होगा नाम, ये यहाँ पे भी टिक टॉपिक में ही था, उसका नाम था गरिमा। तो हमने 2009 में एक भैंसे का क्लोन बनाया, उसका नाम गरिमा था। फिर हमने एक और भैंसे का क्लोन बनाया, उसका नाम था गरिमा टू। तो आपको कभी अगर इस तरह के नाम मिले तो ये भारत के क्लोन है, उनके नाम है गरिमा 1 और गरिमा 2। इसके अलावा हमारे पास और कई सारे क्लोन हैं, जैसे पूर्णिमा, अपूर्वा, दामिनी, इस प्रकार के भी क्लोन बनाए गए हैं। तो हम आपको और नाम लिख दें तो आप लिख सकते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा भी क्लोन है, अपूर्वा भी क्लोन है हमारे पास, ये भैंसे का क्लोन है, ठीक है ना, और दामिनी भी भैंसे का ही क्लोन है। तो ये सारे क्लोन NDRI से बनाए गए हैं, जिनका मेन उद्देश्य है कि ये भैंसे या ये जो भैंस हैं ये अधिक मात्रा में दूध अथवा अच्छी नस्ल के पशुओं को जन्म देंगे। तो दोस्तों आपके सामने मैंने भारत की स्थितियां समझा दी कि हमारे भारत में जो क्लोन की स्थिति है वो 2007 से तकनीकी तौर पर शुरू हुई, और हमारे भारत में खासकर पशुओं के क्लोन बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मानव का क्लोन वैश्विक स्तर पर इसे कहीं ना कहीं मानव समाज का खतरा माना जाता है। अब सीधी सी बात है, हमारी तरह हुबहू एक और मास्टर आ गया तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा ना।
आपकी तरह आ जाएगा तो आपके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए ह्यूमन के बारे में बात नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में गरिमा, गरिमा 2 और पूर्णिमा, अपूर्वा और दामिनी जैसे क्लोन लगातार बनाए गए हैं, तो इनका आप समझ लीजिएगा ना। सर ये बनाया कब गया था, कौन सा, मैंने बताया ना 2009 में, 2010 में, 11 में, इस तरह से साल दर साल ये बनाए जाते रहते हैं। ठीक है सर ये, ठीक है पूर्णिमा, हाँ बिल्कुल सिंपी शुक्ला पूर्णिमा, अच्छी बात है। तो ये सारे नाम अक्सर इनके दिए जाते हैं एनडीआरआई से, तो आपने ये सारी बातें जब समझी। हमने पहले सवाल से इतने सारे जो टॉपिक हैं हमने आपको बता दिए, इनमें से आप क्या क्या सीखे ध्यान देना, क्लोन के बारे में सीखे, क्लोन की तकनीकी क्या होती है, आपने डाली भेड़ के बारे में समझा कि विश्व की पहली क्लोन है जो 1996-97 बनी, कौन बनाया, इयान बिलमट ने बनाया, और झोंग झोंग और हुआ हुआ बंदर के बारे में समझा, किससे जुड़ा हुआ है, चाइना से जुड़ा हुआ है। आपने और क्या समझा, मेढक, सबसे पहली बार क्लोन की शुरुआत मेढक से हुई थी। जीवधारी में आपने भारत में देखा कि 2007 में भारत में क्लोन तकनीकी पर काम हुआ, और हमारे पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, उत्तर होगा हरियाणा के करनाल में है, और गरिमा, गरिमा 2 और पूर्णिमा, अपूर्वा और दामिनी नामक क्लोन हमारे पास बहुत ही ज्यादा सक्रिय, या यूं कहें कि काफी नामी गिरामी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपना क्लोन बनवाना है, शिवाली कह रही है, नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता ना, अब इसके लिए तो परमिशन लेनी होगी जो कि मिल नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 2 कहने क्या वाला है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इसको देखिएगा और समझिएगा, बहुत मजेदार है तकनीकी, मान के चलना तकनीकी बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, अब इसे समझें और जाने। लिखा हुआ है स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिकाओं, या हिंदी में कहें तो स्तंभ कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, तथा इनमें से 4 कथनों में से गलत कथन का हमें चयन करना है, अर्थात ये देखना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। सर नोटिफिकेशन कब आएगा आरओ और एआरओ का, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत में आ जाना चाहिए, और जब नोटिफिकेशन के बाद पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, अभी से पढ़ोगे तो आप क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि यह शरीर की अथवा भ्रूण के विकास क्रम की जो शुरुआती कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को हम स्टेम सेल कहते हैं, जिसके जरिए शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं अथवा अंगों के निर्माण संभव है। बिल्कुल सही बात कह रहा, हमारी जो स्टेम सेल कोशिकाएं हैं ये भ्रूण के विकास की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें दिन, मान के चलना कि जब माँ गर्भवती होती है या जब गर्भधारण होता है ना, ऐसी दशा मान के चलना कि गर्भधारण के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन, गर्भधारण के इन 5 दिनों में तकरीबन 150 से 200 कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी, उस भ्रूण में 150 से 200 कोशिकाएं बन जाती हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, ये जो शुरुआती दौर की कोशिकाएं होती हैं यानी गर्भधारण के 1 से लेकर के 5 दिन तक की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम मास्टर कोशिका भी कहते हैं, या एक तरीके से मास्टर सेल के नाम से जानते हैं। इन कोशिकाओं में इतनी क्षमता होती है कि ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और इस भ्रूण के अंगों का विकास होता रहता है, और इन्हीं स्टार्टिंग या शुरुआती दौर की कोशिकाओं को हम नाम देते हैं स्टेम सेल। क्या नाम देंगे, स्टेम सेल। ये कोशिकाएं इतनी क्षमतावान है, स्टेम सेल ये शुरुआती दौर की कोशिकाएं, जो अन्य कोशिकाओं का अथवा शरीर के सभी अंगों का या पूरे पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हैं। स्टेम सेल कुल 4 प्रकार की होती हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और यूनिपोटेंट स्टेम सेल, यानी कि कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से जो स्टेम सेल थेरेपी है एक चिकित्सा है। जब आप कभी मेरे साथ पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको गहन अध्ययन दे रहा हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द स्टेम सेल थेरेपी। दोस्तों स्टेम सेल कोशिका के जरिए जब इलाज किया जाता है तो इसे हम नाम देते हैं स्टेम सेल थेरेपी, और स्टेम सेल थेरेपी में हम कोशिश करते हैं कि प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, जो अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूड होता है यानी जो नाभि नाल के जरिए दौड़ निकलता है, उसका उपयोग करके हम चिकित्सा कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो चिकित्सा की दौड़ है ये भारत या विश्व के 21वीं सदी की एक बेहतरीन प्रतिमान है, है ना, उस आधार पर चिकित्सा कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा तीव्रता मिल रही है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट हमने आपको समझा दिया, ये कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं होती हैं, स्टेम सेल या स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। अब ध्यान देना, लिखा है मास्टर सेल वास्तव में स्टेम सेल होती हैं, ये भी सही है, बिल्कुल हमने अभी भी नाम लिया ना कि जो स्टेम सेल हैं वो मास्टर सेल हैं। रीजन, ये कोशिकाएं बहुत क्षमतावान हैं, ये अन्य कोशिकाओं को या अंगों को या पूरे पूरे शरीर का निर्माण करने में फुल्ली सक्षम हैं, इसलिए से नाम दिया मास्टर सेल। तीसरा देखिएगा, स्टेम सेल थेरेपी में प्रायः दुसाध्य, कैसे, जो ऐसे बीमारियां जो साध्य ना योग्य हो अर्थात वो ठीक ना होने वाली हो, जैसे
रक्त संबंधी, कैसी, जो रक्त संबंधी बीमारियां हैं। अब रक्त संबंधी कौन सी हो सकती हैं भाई, सिकल सेल एनीमिया की बात कर लें, थैलेसीमिया की बात कर लें, वर्णांधता की बात कर लें, अथवा आंख में और जो जेनेटिक समस्याएं उनकी बात कर लें, ब्रेन की समस्याओं की बात कर लें, है ना, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी खतरनाक बीमारियां जो जल्दी से ठीक होने की बिल्कुल नाम की चीजें नहीं होती, ऐसी बीमारियों को, पैरालिसिस की बात कर लें, लकवा मार गया किसी को, ऐसी बीमारियों को हम इन स्टेम सेल के जरिए ठीक कर पाएंगे। किसी का हृदय खराब हो गया, नया हृदय बना सकते हैं, और किसी का ऑर्गन खराब हो गया, नया ऑर्गन बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें होंगी वो स्टेम सेल थेरेपी के जरिए आगे चल करके संभव हो पाएंगी। मान के चलना कि इस तकनीकी पर बहुत अधिक काम हो रहा है और जल्द से जल्द इस तकनीकी का एक बृहद स्वरूप, एक ऐसा जो प्रचलित स्वरूप है हमारे सामने आने वाला है, और हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में आ चुके हैं, 2021 में आज पढ़ रहे हैं, और 2030 आते आते ये तकनीकियां, ये जो हमारी नवीन स्तर की 21वीं सदी की तकनीकियां हैं, हमारे साथ काफी ज्यादा प्रचलित तो हो चुकी होंगी। चलते हैं, तो हमारा तीसरा भी तकरीबन सही है, तो गलत कौन सा होगा, लिखा है टोटीपोटेंट, क्या लिखा है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल के द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा आज जो स्टेम सेल चिकित्सा हो रही है, आज जो स्टेम सेल चिकित्सा हो रही है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये बात गलत है दोस्तों, ध्यान देना। जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है, ये शुरुआती दौर की भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। कितना, शुरुआती दौर के 1, 2, 3, 4, 5 दिनों के भ्रूण की कोशिकाएं होती हैं। अब इन भ्रूण की कोशिकाओं को अगर निकाल लिया जाएगा और इनके जरिए इलाज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या हो जाएगी, और मुझे लगता कि आप कभी भी भ्रूण हत्या को नैतिक ठहरा सकते हैं, इसलिए ये अनैतिक गतिविधियां हो सकती हैं। यही कारण है कि चिकित्सीय उपयोगों में हम स्टेम सेल के पहले प्रारूप, यानी कि जिसका नाम है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, मैं यहां पे आगे बढ़ाऊं तो आपको इसकी जो व्याख्या है वो देता हूं। खैर, आप दूसरे का उत्तर डी लगा सकते हैं, फिर भी इसकी व्याख्या समझिएगा और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान देना, मैंने बताया कि स्टेम सेल के बारे में आप समझ रहे हैं, स्टेम सेल होता क्या है दोस्तों, तो समझिएगा कि स्टेम सेल जो होता है ये बिल्कुल भ्रूण के विकास की शुरुआती कोशिकाएं होती हैं, भ्रूण विकास की शुरुआती कोशिकाएं होती हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि ये भ्रूण विकास की शुरुआती कोशिकाएं हैं, शुरुआती सेल हैं, और ये तकरीबन भ्रूण के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन तकरीबन जो 150 से कितनी 150 से 200 तक की कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं स्टेम सेल। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेम सेल जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं। पहली होती हैं टोटीपोटेंट, कौन सी होती हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल। तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि पहली कोशिका है टोटीपोटेंट स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल या टोटीपोटेंट स्टेम सेल जो होती हैं ये कोशिकाएं तब मिलती हैं जब भ्रूण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन होता है, और इसीलिए इस प्रकार की स्टेम सेल का उपयोग हम चिकित्सीय कार्यों में नहीं करते हैं, कारण इससे भ्रूण हत्या के भय होते हैं, यानी कि ये कहीं भी इसका चिकित्सा कार्य नहीं होगा, अर्थात मानव के लिए ये उपयोगी नहीं है, मान के चलना इसका चिकित्सा नहीं होता है, है ना। दूसरी होती है दोस्तों, का नाम है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, कौन होती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और इन्हें हम सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त करते हैं, ध्यान देना दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के दौरान मां और बच्चे के मध्य एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और इसे आम भाषा में, अगर एक सरलीकृत भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं, जब बच्चे के जन्म की क्षतियां बनती है इसे बोलते हैं नाभिनाल। आपने नाम सुना होगा कि बच्चे की नाभिनाल काटा जाता है, उसे धागे से बांध दिया जाता है, तो इस नाभिनाल को अंग्रेजी में कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। मेरे दोस्त, अब थोड़ी सी नॉलेज रखना शुरू करिए, इस अम्बिलिकल कॉर्ड में एक गाढ़ा अपारदर्शी टाइप का द्रव भरा होता है जिसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूइड, और ये जो नाभिनाल का द्रव है ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, और इस प्रकार की कोशिकाएं या बच्चे के जन्म के समय जो अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूइड है इसको अगर हम प्रिजर्व कर लें, सुरक्षित कर लें, इसको हम किसी भी स्टेम सेल बैंक में जाकर रख दें, तो आने वाले दिनों में इसका उपयोग करके उस व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। तो हमारा जो चिकित्सीय कार्य है वो किसके जरिए हो रहा है, वो हो पाएगा जिसके जरिए, उत्तर होगा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के जरिए। तो ध्यान देना, चिकित्सीय कार्यक्रमों में जो नाभिनाल द्रव से प्राप्त होने वाली, सर टोटीपोटेंट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसिता रावत, ये अंग्रेजी ही लिख रहा हूं मैं, हिंदी नहीं लिख रहा हूं, है ना, केवल मेरी भाषा बदली हुई है। हाँ, अजय प्रजापति, उनका पढ़ाएं, ठीक है, क्लासेस में है जो साइंस टेक्नोलॉजी ही, उनको पढ़ाएं, बिल्कुल सबके लिए पढ़ा रहा हूं, आप बस सुनते रहिए और समझते रहिए।
नहीं एसिटिक फ्लूड नहीं कह सकते, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, बिल्कुल नाभिनाल द्रव होता है अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूड, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना। तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। और चौथी जो होती है उन्हें हम बोलते हैं यूनिपोटेंट। तो इस तरह से हमारे पास कुल चार प्रकार के स्टेम सेल मौजूद होते हैं और ये समय के साथ आगे काम कर रहे होते हैं। चलते हैं दोस्तों, आपको ले चलते हैं सवाल नंबर अगला हमारा कौन सा है, सवाल नंबर तीन, और देखते हैं कि सवाल नंबर तीन कहना क्या चाहता है। मुझे उम्मीद है सवाल नंबर तीन आप बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीनी या ट्रांसजेनिक की श्रेणी में आता है, बक व्हाइट, मैरकोनी व्हीट, ट्रिटिकेल या गोल्डन राइस। तो मुझे लगता है आप इसे लगा सकते हैं, सवाल नंबर तीन का डी अगर आपने टिक कर लिया तो आपका सवाल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मल चावल में या नॉर्मल धान में हम क्या जोड़ देते हैं, वीटा कैरोटीन, क्या जोड़ रहे हैं, वीटा कैरोटीन ऐड कर दे रहे हैं। तो ये वीटा कैरोटीन और नॉर्मल चावल मिलकर क्या बना लेता है, गोल्डन, कैसा, गोल्डन राइस बना लेता है। और ये जो गोल्डन राइस है दोस्तों, जब इसका सेवन करते हैं तो हमारी यकृत की कोशिकाएं, हमारी यकृत की जो कोशिकाएं हैं इसे कन्वर्ट कर देती हैं विटामिन ए में, किस में कन्वर्ट कर देती हैं, विटामिन ए में इसे बदल देती हैं। और इस तरह से हमारे पास चावल के जरिए या चावल के भोजन के जरिए भी हमें, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, क्या सर फिर हिंदी में टोटीपोटेंट को क्या कहेंगे, हिंदी में कहने की आवश्यकता नहीं है, आप हिंदी अंग्रेजी टोटीपोटेंट ही बोलेंगे, है ना, इसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है आपको बोलने की। तो विटामिन ए के स्रोत जो हम प्राप्त कर पाते हैं वो कहां से मिल गया, उत्तर होगा गोल्डन राइस या सुनहले चावल से मिल पाता है। तो इस तरह के भी सवाल हमारे पास बने होते हैं। तो तीसरे नंबर का सवाल आपका क्लियर हुआ, चौथे नंबर के सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कहना क्या चाहता है दोस्तों। सवाल नंबर चार ये रहा हमारे सामने और इसको आप देखिएगा और मुझे उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब भी बेहद अनुकूल दे पाएंगे, और दे पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो खड़ा हूं आपके लिए। लिखा है, विलियम वेटसन आनुवांशिकता शब्द का उपयोग किया था क्या इन्होंने, बिल्कुल यहां पे लिख सकते हैं आनुवांशिकता शब्द का उपयोग। तो एक बात और जोड़ लीजिएगा जिससे आपको इसका उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। दूसरा है, ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के नियम के बारे में बताया। इसके बाद है, डब्ल्यू एल जोहानसन जीन की जानकारी दी। और डी वाला लिखा है सर एलेक जेफ्रीज, क्या उन्हें, सर एलेक जेफ्रीज इनका नाम है, और इन्होंने गुणसूत्रों की जानकारी दी। क्या ऐसी बात है क्या, यानी कि क्या सर एलेक जेफ्रीज ने गुणसूत्रों के बारे में बताया। तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा है, ठीक है सर, एमपीपीसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, मैं पढ़ा तो रहा हूं, हर जगह आता है, ये अलग से नहीं है कोई, है ना, स्टेम सेल जानने के लिए आपको कहीं भी पढ़ेंगे स्टेम सेल जानना होगा, या मैं आपको बता रहा हूँ इनके वैज्ञानिकों के नाम, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी जाननी होगी दोस्त, है ना, बिना बायोटेक्नोलॉजी जाने अब कहीं का भी पीसीएस आप दो, इसको तो जानना होगा। विज्ञान एक प्रकार का एवरग्रीन सब्जेक्ट है और इसको हर एक विषय में, या यूं कहें कि हर एक राज्य के स्तर की जो परीक्षाएं हैं किसी न किसी तरीके से बेहतरीन सम्मान देती हैं, तो आप इसे समझें पढ़ें, ठीक है। चलिए हो गया आपका, मैंने उत्तर दे दिया। सवाल नंबर चार का बहुत से लोगों ने डी देना शुरू कर दिया है, बिल्कुल इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा चार का डी। मैं इसकी एक अच्छी सी परिभाषा देता हूं, लिखा है विलियम बेटसन, बिल्कुल दोस्तों विलियम बेटसन ने पहली बार जेनेटिक्स के वर्ड का उपयोग किया, आनुवंशिकता के शब्दों का उपयोग किया था, तो आप इसे समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों अनुवांशिकता का जो नियम है, आपने कहीं ना कहीं मटर से जुड़े हुए तमाम ऐसे प्रयोग देखे होंगे जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे, कलर के तमाम ऐसे प्रयोग थे जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे, तो इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम अनुवांशिकता के नियम के जनक के तौर पर जानते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो सही है। लिखा है डब्ल्यू एल जोहानसन, बिल्कुल जब 1953 में क्रिक वाटसन या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के त्रिविमीय चित्र के बारे में बता दिया, जिसका जिक्र मैंने कल के सेशन में किया हुआ है कि कैसे उन्होंने बताया और सारी बातें मैंने आपको समझाई। तो उसके बाद यह पता चला कि हमारे डीएनए में चार प्रकार के क्षार होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चार ऐसे क्षार होते हैं जो हमारे डीएनए में होते हैं। केवल एकमात्र क्षार जिसका नाम है यूरैसिल, ये हमारे डीएनए में नहीं होता, और डीएनए हमारी आनुवंशिकता के वाहक के स्वरूप पर माने जाते हैं। तब डीएनए के इन क्षारों का जब क्रम पढ़ा गया तो जोहानसन ने यह बताया कि जो डीएनए में लगी हुए क्षार हैं एग्जैक्टली इन्हीं को इन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से कहा कि ये जीन है, और इन्हीं क्षारों का जो क्रम है उसे जीन कहा, और जब एक लंबी लड़ी बन गई तो उसे जीनोम कहा। बिल्कुल ये बातें भी सही हैं।
तो आते हैं कौन, आते हैं सर एलेक जेफरीज। सर एलेक जेफरीज ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सर एलेक जेफरीज ने पूरी दुनिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझाया। क्या बताया? पूरी दुनिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझाया। यहां पे लिख सकते हैं कि सर एलेक जेफरीज ने क्या किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझाया। इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का जो डीएनए है वो कैसे होता है और किस तरह से हर व्यक्तियों के साथ अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए इस तकनीकी का उपयोग करके हम व्यक्तियों की पहचान कर पाते हैं। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंस है, या यूं कहें कि एक प्रकार का ऐसा साइंस जिसमें हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं का एक खुलासा करते हैं, रेप की घटना हो या मर्डर की घटना हो, जहां पर खून, वीर या अन्य जीवधारी के पार्ट होते हैं, उनकी घटनाओं का खुलासा करना हो, उनको जानकारी लेनी हो, तो हम अक्सर डीएनए मैचिंग कराते हैं। और डीएनए मैचिंग को ही हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप कहते हैं। और पूरी दुनिया में सर एलेक जेफरीज ने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक बड़ा प्रयोग किया और दुनिया को समझाया। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे भारत में प्रोफेसर लालजी सिंह को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। हमारे गुरुजी रहे हैं और बीएचयू में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया और वाइस चांसलर या वीसी भी रहे हैं। तो प्रोफेसर लालजी सिंह को भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। जब राजीव गांधी साहब की हत्या हुई थी, उस दौर पे प्रोफेसर लालजी सिंह ने बहुत अधिक ज़्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके उनके शरीर के टुकड़े या नमूनों को इकट्ठा किया और एग्जैक्टली पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री के शरीर के टुकड़े कौन से हैं, क्योंकि वहाँ पे बम की वजह से ऐसा दुखद कांड हो गया था जो कहीं ना कहीं नेगेटिव था। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर एलेक जेफरीज ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक हैं और प्रोफेसर लालजी सिंह को भारत का, ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोफेसर लालजी सिंह को भारत का, ठीक है, भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। तो यहां से आप एक और बात लिख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, तो इसे आप नोट करें और जानें। जी सर, सीआईडी में देखता हूं, अच्छी बात है। कम से कम सीआईडी देख करके इतना पता तो चला कि कुछ ऐसी तकनीकी जानकारी आपको हासिल तो हो रही है, अच्छी बात है। चलिए अब ध्यान देना, यहां पे सवाल आता है गुणसूत्रों के बारे में कौन बताया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे स्ट्रासबर्गर, कौन इनका नाम था, स्ट्रासबर्गर, और स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्रों के बारे में समझाया था। एक और वैज्ञानिक यहां पे जुड़ेंगे, उनका नाम है वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर। और वाल्डेयर ने गुणसूत्रों का नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण करने के बारे में जानकारी दी थी कि भाई देखो कि जो गुणसूत्र होते हैं ये आनुवंशिकता के वाहक होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जो आनुवंशिकताएं, या यूं कहें कि जो आनुवंशिक गुण है माता पिता से उनके बच्चों में जाते हैं, वो किस आधार पर इसके लिए गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं। तो ये सारी बातें आपने जानी और समझी। तो यहां पर हमने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में जिक्र किया जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे। बिल्कुल इसीता ने लिख दिया है और बहुत से लोगों ने समझा है, इसे जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या आपको समझ आ रही होगी और मान के चलना सवाल कम है लेकिन बातें बहुत ज्यादा हैं। मान के चलना ये एक तरीके से टॉपिक क्लियर हो रहा है और आपने अगर अच्छे से लिख लिया तो आपको, हमने वो सवाल उठाए हैं जो सीधे सीधे रिपीट होते रहते हैं और नए सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवालों को हमने यहाँ पे शामिल किया है। जिस दिन आपने ये पूरा का पूरा दौर पूरा कर लिया, यानी कि पूरी साइंस एंड तकनीकी के सवाल के आधार पर पढ़ लिया, मान के ये चलना कि आपकी तैयारी का लगभग अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका होगा। विज्ञान एवं तकनीकी में जब आप बैठोगे एग्जाम में तो अधिकांश सवाल हल कर ले जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे ना, और वादा भी है दवा भी है, ये मान के चलना। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर 5 है। और सवाल नंबर 5 कहना क्या चाहता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पलक झपकते लगा दोगे, है ना। इसके लिए अलग से कोई बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार या बेस डीएनए में नहीं पाया जाता, बताइए जरा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार या बेस डीएनए में नहीं पाया जाता, ये मान के चलना दोस्तों, बताओ जरा सा। मुझे उम्मीद है आप इसे काम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार या बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? थायमीन, कि साइटोसिन, कि ग्वानिन, कि यूरेसिल, तुरंत बताइएगा। थैंक यू सभी को जिन लोगों ने ऐसा प्रतिक्रिया जाहिर की है मेरे प्रति, तो आभार है इधर से, ठीक है। चलिए बताइएगा इसमें थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। मेरे दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो डीएनए के क्षार हैं, डीएनए में जो चार प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन और
ये नहीं होता, कौन सा? यूरेसिल नहीं होता। क्या नहीं होता? यूरेसिल नहीं होता। इसको आप टिक लगा सकते हैं। तो पांच का क्या हो जाएगा? पांच का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांच का डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल पांच का डी बहुत से लोगों ने लगा दिया है और बहुत से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है? इसकी व्याख्या क्या हो सकती है दोस्तों? बिल्कुल, इसकी व्याख्या को हम समझेंगे और जानेंगे। तो आइए पेज लेते हैं इसके लिए और आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। अगर डीएनए को एक व्याख्यित तरीके से थोड़ा समझें कि डीएनए में जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं और किस आधार पर काम करते हैं, तो मान के चलना दोस्तों कि डीएनए जो होते हैं या इनकी जो संरचना आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं पॉलीमर तरीके से बने होते हैं, है ना। तो अगर हम देखें कि डीएनए में और आरएनए में किस प्रकार के क्षार हैं, तो थोड़ा सा आप न्यूक्लिक अम्ल को याद करिएगा। अगर न्यूक्लिक अम्ल को देखा जाए या न्यूक्लिक एसिड को देखा जाए, तो आपको मैं बताऊं कि न्यूक्लिक एसिड के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? एक हिस्सा होता है शुगर का, शुगर का जिसे हम चीनी कहते हैं या इसे हम शर्करा कहते हैं। इसमें होते हैं दो, डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों का, विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार का हिस्सा होता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं मेरे दोस्त, ये दो होते हैं। कौन कौन से? इसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन। कौन से होते हैं? पिरिमिडीन क्षार होते हैं। कौन कौन से? पिरिमिडीन क्षार। और दूसरे होते हैं प्यूरिन क्षार। कौन से? प्यूरिन क्षार होते हैं। तो ये दो क्षार हो गए। अब पिरिमिडीन के तीन हिस्से होते हैं और प्यूरिन के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन के होते हैं ग्वानिन और एडेनिन। क्या होते हैं? ग्वानिन और एडेनिन, एडेनिन। ये दो ऐसे हिस्से हैं जो प्यूरिन के साथ होते हैं। ग्वानिन को हम जी से डिनोट करते हैं और एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं। इन केस ऑफ द पिरिमिडीन बेस देयर आर थ्री सब बेस, यू नो नेम इज द साइटोसिन। क्या नाम है? साइटोसिन। तो पहला लिखेगा साइटोसिन, इसे हम डिनोट करते हैं सी से। और दूसरा होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है, इसे हम लिखते हैं अंग्रेजी के टी अक्षर से। और तीसरा होता है यूरेसिल। क्या होता है? यूरेसिल, और इसे हम लिखते हैं अंग्रेजी के यू अक्षर से। तो कुल मिला के तीन ये और दो, कुल पांच प्रकार के बेस होते हैं। किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। अब इनमें से पांच में से चार डीएनए में होंगे और चार आरएनए में होंगे। तो जो डीएनए में होगा वो आरएनए में नहीं होगा, और जो आरएनए में होगा वो डीएनए में नहीं होगा। ये बातें आपको समझनी है। कैसे? देखिएगा, अगर हम बात करें डीएनए में, तो इसमें कुल चार हैं। कौन कौन से हैं? अब ध्यान देना, डीएनए में यूरेसिल नहीं। कौन सा नहीं होगा? यूरेसिल। कौन कौन सा होगा? यहां पे साइटोसिन होगा, थायमिन होगा, और एडेनिन होगा, और ग्वानिन होगा। ये कहां होगा? डीएनए में। अगर बात की जाए आरएनए में, तो यहां पे क्या होगा? यहां पर क्या नहीं होगा? थायमिन नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे? साइटोसिन होंगे, और दूसरा कौन सा होगा? यूरेसिल होगा, और वो दोनों होंगे कौन कौन से? ग्वानिन और एडेनिन होंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमने आपको डीएनए और आरएनए के क्षारों के बारे में स्पष्ट जानकारी दे दी है। अब यही एक टॉपिक है, आपने एक साथ न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझ लिया। दोनों ध्यान दोस्तों, इन सभी के बारे में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिसनर। क्या नाम था? फ्रेडरिक मिसनर। और फ्रेडरिक मिसनर ने इनके बारे में पूरी जानकारी देना शुरू कर दिया था। तो आप कह सकते हैं कि इन न्यूक्लिक अम्लों के बारे में या नाभिकीय अम्लों के बारे में कौन बताया उत्तर होगा? फ्रेडरिक मिसनर ने इनके बारे में समझाया था। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, यही दो सवाल हर बार बनते हैं, यही दो सवाल हर बार बनते हैं। ये मान के चलना अगर आपने इसे कवर कर लिया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अनुशासन तो अनिवार्य है जितेंद्र, है ना। और थैंक यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, बस आप अच्छे से कवर करते रहें, बस आगे बढ़े और सवाल नंबर देखते हैं अगला। इसे नोट हो गया, मुझे उम्मीद है ये नोट हो चुका होगा। यही एक टॉपिक आपने कवर कर लिया एक पेज में, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर हमारा कौन सा? सवाल नंबर छह है, और देखते हैं सवाल नंबर छह कहना क्या चाहता है और किस आधार पर यह हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर छह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और गलत कथन का चयन कीजिए। बड़ा ही मजेदार सवाल है, मान के चलना कि आपको एक अच्छी सुविधा के साथ आगे बढ़ाएगा। लिख रहा है कि एलिजा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, है ना, ये सॉर्बेंट है, यहां पे बी हम लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, सॉर्बेंट एसे। पीढ़ी से जो हमारी रक्त में उपस्थित एचआईवी की जांच की जाती है, एलिजा टेस्ट जो होता है दोस्तों, वो वाकई में एचआईवी की जांच के लिए होता है। एक और मैं आपको बता दूं, एलिजा के अलावा अगर एचआईवी का इलाज जो होता है, एचआईवी का जो इलाज होता है, उसके लिए हम एआरटी का उपयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या बोलेंगे?
एचआईवी की जांच एलिसा से होती है और एचआईवी का जो आज के दौर में अधिकतम इलाज में उपयोग किया जा रहा है उसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एआरटी का उपयोग करते हैं। अच्छी बात है। एक और बात समझिएगा कि 2030 तक, कब 2030 तक, डब्ल्यूएचओ और भारत दोनों का कहना है कि हम पूरे भारत से या पूरे विश्व से एचआईवी को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो 2030 के हम पहले साल में इन 2021 में प्रवेश कर भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऐसे तत्व तो ये बात सही होगी, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो हमने और ज्यादा थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको इजाफा कर दी, टेस्ट भी बता दिया, दवाई बता दी और टारगेट भी बता दिया, तो आपके लिए इतना काम हो जाएगा। ठीक है, खैर चलते तो मैं एक सवाल कर दूं कि क्या किसी को इस बार के विश्व एड्स दिवस के थीम के बारे में पता है क्या? तो आप अपने कमेंट मुझे दे दीजिएगा। अगर आपको विश्व एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष होता है और 1988 से लगातार मनाया जा रहा है, तो उसकी थीम अगर आपको पता हो या उसके विषय के बारे में पता हो कि किस थीम पर या किस विषय पर इस बार का COVID-19 का एचआईवी मनाया गया या एड्स दिवस मनाया गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख सकते हैं और आपके इंतजार, कमेंट का इंतजार होगा ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो मेरा सवाल फिर से सुनिएगा कि इस बार का जो एड्स दिवस है या विश्व एड्स दिवस है जिसे हम प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1988 से, कब 1988 से लगातार हम इसे मनाते चले आ रहे हैं, कब 1 दिसंबर को? तो मेरा सवाल है कि 2020 का, क्योंकि इस साल का जो सबसे बड़ा मोटो रहा वो रहा COVID-19 और COVID-19 की वजह से एचआईवी के प्रयासों पर थोड़ा कम ध्यान गया, ऐसा WHO का कहना है। तो इस बार का जो थीम था वो आपको बताना है, विषय के बारे में बताना है। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों, मेरे दोस्तों आपका एक कमेंट का इंतजार है कि थीम के बारे में। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 यार, यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, वे तत्व जो कैंसर उत्पन्न करने के कारक बनते हैं, जैसे विषाणु कैंसर उत्पन्न कर सकता है, अल्ट्रावायलेट किरणें कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं ऑन्कोजन। क्या बोलते हैं उनको? हम कहते हैं उन तत्वों को हम बोलते हैं कि वो तत्व कौन से हैं? उत्तर होगा इन्हें हम ऑन्कोजन कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑन्कोजन या ऑन्कोजीन के जरिए, ऑन्कोजन या ऑन्कोजीन के जरिए कैंसर उपस्थित होता है बॉडी में। तो वो कौन कौन से होते हैं? विषाणु भी कैंसर पैदा कर सकते हैं और पराबैंगनी किरणें भी कैंसर पैदा करती हैं, तो आप इन्हें ऑन्कोजन में शामिल कर सकते हैं। कैंसर का मतलब है कि हमारी शरीर में कोशिकाओं का एक मल्टीपल तरीके से नुकसान होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने यहां पर कमेंट देना शुरू कर दिया है, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। कोई नहीं, आज जाइएगा क्लास के बाद और आप गूगल करके देख सकते हैं कि हमारे इस 1 दिसंबर 2020 में विश्व एड्स दिवस का जो थीम था है ना वो क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन का आशय है कि राइबोसोम का डीएनए और आरएनए की मौजूदगी में कोशिका के भीतर प्रोटीन का निर्माण करना, क्या आप ऐसा मानते हैं? इस बारे जांच हो रही है, आपको याद होगा ना आरटीपीसीआर, और इस जांच के जरिए हम COVID-19 की वास्तविकता का पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को जो एक तरीके से रियल टाइम या आरटीपीसीआर है या पॉलीमरेज चैन रिएक्शन की बात हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, तो इसके जरिए हम COVID-19 के कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 की जांच कर लेते हैं, ये तो सबको पता होगा। तो वहीं से कुछ बातें यहां से निकल के आई हैं कि बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन का आशय है कि राइबोसोम का, ये थोड़ा आईएस के टाइप का सवाल है, थोड़ा सा टफ है लेकिन यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर आप ही बता दीजिए प्लीज अगर मैं आज बता दूंगा ना, तो कुछ लोगों ने ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, तो आप वहां से समझ सकते हैं और जाके ढूंढिएगा। आज मैं अगर बता दूंगा तो फिर आपको याद नहीं होगा, अब ढूंढ के लिखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अब मैं कल बता दूंगा फिर आके, नहीं ढूंढ पाएंगे तो हाँ ठीक है। बहुत सी मैं एक हिंट देता हूं, लिखा है साझा प्रयास, ऐसा कुछ लिखा होगा, ढूंढ के आइएगा। चलिए लिखा है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन का आशय है कि राइबोसोम डीएनए और आरएनए की मदद से क्या बनाता है, कोशिका के भीतर प्रोटीन बनाता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, गलत है, यही गलत है। लिखा है संपूर्ण ग्लूकोज के विघटन के बाद, कुल 36 ATP बनता है, नहीं दोस्तों यहां पे 38 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 38 होना चाहिए, तो यहां पर दो गलत है लेकिन हम इसको सुधार दे रहे हैं, तो 38 है बिल्कुल। एक ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो 38 ATP ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है ना, यानी एक ग्लूकोज पूरी तरह से विघटित हो जाता है, समाप्त हो जाता है हमारी कोशिका में, तो हमें कितने अणु मिलते हैं ATP के। ATP को हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ATP के जरिए हमें ऊर्जा मिल पाती है, तो एक ग्लूकोज का अणु खाएंगे तो हमें 38 ATP ऊर्जा मिलती है, तो ये वाला सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 6 का जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला, यानी कि 6 का सी गलत है,
मैं इसकी एक और बेहतरीन व्याख्या आपको देता हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। 6-80 लगा दीजिए, जो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, आप इसे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, तभी आप इनके साथ एक अच्छा और फैमिलियर माहौल बना पाएंगे। मैं आपको इसकी एक और व्याख्या देता हूं जो आपके लिए बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है, और उसे अपनी कॉपी में आप नोट कीजिएगा। चलिए लिखिएगा, एक शब्द है यहां पर, उस शब्द का ध्यान दीजिएगा। लिखा है शब्द बायोलॉजी ट्रांसलेशन, लिखिएगा बायोलॉजी ट्रांसलेशन। ये क्या मामला है? अगर आप कोशिका का अध्ययन कर रहे होंगे, कोशिका के बारे में जान रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ठीक है चलिए, अब आप जब क्लास के बाद जाइएगा तो ढूंढ लीजिएगा, तनाव मत लीजिए कोई लोग, है ना, बिल्कुल तनाव मत लीजिए। नेशनल थीम थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका तो मैंने पूछा नहीं ममता, ये क्यों लिख रहे हो, ठीक है, सी रंग, ठीक। तो एक सवाल है बायोलॉजी ट्रांसलेशन का, ये क्या है, ध्यान देना। जब हमारा राइबोसोम, ठीक है, एक प्रकार का कोशिकांग होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो ध्यान देना, जब हमारा राइबोसोम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए की सहायता से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तब इस विधा को कहते हैं बायोलॉजी ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ट्रांसलेशन, यानी हमारी कोशिका में आरएनए की मौजूदगी में राइबोसोम करता क्या है, कोशिका बनाता है। तो इस पूरे भाव को हम देते हैं नाम बायोलॉजी ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ट्रांसलेशन। अब ध्यान देना, जब हमारी शरीर में डीएनए, हमारी कोशिका में डीएनए से आरएनए बनता है, क्या बनता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण बनता होता है, तो इस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, क्या बोलेंगे, बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। लिखेगा अगला टॉपिक, बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन इज इक्वल टू डीएनए टू आरएनए। डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है, ध्यान देना। और जब उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरएनए से डीएनए बनना शुरू होगा। अब इस बार क्या हो रहा है भाई, इस बार का जो COVID-19 की जांच हो रही है उसमें यही तो कर रहे हैं। COVID-19 चूंकि कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, और हम उसको डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो जांच का नाम है क्या है, उसका नाम है आरटीपीसीआर। क्या नाम है? आरटीपीसीआर, इस जांच का नाम है, और इसी के बारे में बता रहे हैं आपको। तो ध्यान देना, जब आरएनए से डीएनए बनता है, क्या बनता है, आरएनए से डीएनए बनता है, यानी किसी भी आरएनए के जरिए डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटी का मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जो कोरोना वायरस था आरएनए वायरस, उसके वायरस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डीएनए में बदल लेते हैं, डीएनए में बदल लेते हैं। तो इसलिए उनकी जांच का नाम रखा गया क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपने समझा कि जब किसी आरएनए के जरिए डीएनए का निर्माण होता है, तो इस विधा को क्या बोलेंगे, रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। अब ध्यान देना, अब इसके अलावा ध्यान देना, जब किसी डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, अथवा आरएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो क्या बनेगा उत्तर होगा, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो देयर आर थ्री आर फोर टाइप ऑफ द नेम, बायोलॉजी ट्रांसलेशन, बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन, एंड बायोलॉजी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड बायोलॉजी रेप्लिकेशन। और इन चीजों का आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाएंगे। यहां से एक बातें बिल्कुल एग्जाम में पक्का तय आता रहता है, कौन सा, या तो ट्रांसलेशन आएगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन आएगा, या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा, या तो रेप्लिकेशन से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको बिल्कुल निश्चित तरीके से आगे बढ़ाइएगा। चलते हैं सवाल अगला देखते हैं, ये पूरा हो गया होगा आपका, आगे देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 7 है, लिखा है बायोचिप में क्या होता है। इसका सीधा उत्तर दे सकते हैं कि बायोचिप में होता है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, यानी कि जो हमारे जैविकीय गुण हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, तो उत्तर होगा बायोचिप, उसी को बोलते हैं। जैसे चिप, अमवन चिप होता है एक तरीके से, सिलिकॉन के बने होते हैं जो कंप्यूटर में लगते हैं, तो वैसे ही हमारे शरीर का जो बायोचिप है वो किसका बना होगा, उत्तर होगा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो हमारे आनुवंशिकताओं का वाहक होता है। ठीक है, तो आप इसका 7 का D लगा सकते हैं, 7 का D यहां पे भी सही कर सकते हैं, 7 का D, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर 8 देखते हैं कि सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, और किस आधार पर हमें
बेहतर करेगा। लिखा है, बलात्कार एवं हमलों के मामले में अपराध की पहचान करना और स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, मैंने भी बात की थी इससे पहले। और दूसरा है, डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार और शुष्क बीर जैसे साक्ष्य पर्याप्त हैं, बिल्कुल पर्याप्त है। यानी कि ए वाला जो सही है बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। इसकी व्याख्या मैंने पहले टॉपिक में कर रखा है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, एलेक जेफ्रीज की वो कहानी। बिल्कुल चलते हैं, तो इस तरह से आठ का ए सही है, आठ का ए सही है, आप इसे बहुत ही खुशी मन से लगा दीजिए और सवाल नंबर नौ की तरफ बढ़ चलिए। सवाल नंबर नौ क्या कहना चाहता है इसको देखिएगा, फिर वही सेम टू सेम सवाल या उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल। लिखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में होता है, बताइएगा। केवल न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक उपकरण में, केवल पैतृक विवाद में, यानी कि किस माता पिता के बच्चे कौन से हैं। आपको याद होगा एनडी तिवारी का मामला और रोहित शेखर का मामला, उन्होंने अपने पितृत्व या अपने पिता की जो वास्तविकता उसे बताने में, डीएनए के बारे में जानकारी देने के लिए एक लंबी न्यायालय की लड़ाई लड़ी थी, हालांकि दुर्भाग्य रहा कि उनका देहांत हुआ, उन्होंने अब ध्यान देना। अगला है, केवल संकटपन्न प्राणियों के रक्षण में, ध्यान देना, उपरोक्त में से सभी, इन सभी व्यवस्थाओं में, नौ का डी लगा सकते हैं, इन सभी व्यवस्थाओं में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बातें होती हैं। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, भारत राष्ट्र में यानी हमारी जो केंद्र सरकार है वो डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लेकर के आ रही है, जिसके जरिए हमारे डीएनए के नमूने भी इकट्ठा किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप नौ का डी लगा सकते हैं, बिल्कुल सभी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह सवाल आ चुका है, कहीं पूछा गया है, दस का सवाल देखिएगा, सवाल नंबर दस, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है आप इसे लगा सकते हैं, इसके बारे में जानते भी होंगे। लिखा है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, दोस्तों ध्यान देना, क्या है ये, भ्रूण के लिंग की जांच। अक्सर आपको पता ना भारत में लिखा होता है यहां पर भ्रूण लिंग की जांच नहीं होती है, लेकिन चूंकि अल्ट्रासाउंड की मशीनें तो होती होती हैं, तो एमनियोसेंटोसिस का मतलब है भ्रूण लिंग की जांच, अर्थात वो जो बच्चा जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, अगर वो 16 सप्ताह का हो चुका है तो हम उसे बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो लगा सकते हैं भ्रूण लिंग की जांच। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 के बाद एक और कोई सवाल होना चाहिए, सवाल नंबर 11 भी है यहां पर, तो देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है, और आपके लिए बहुत ही आसान और काफी ज्यादा एक प्रचलित सवाल है। लिखा हुआ है, मानव में संतान के लिंग निर्धारण के लिए, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, केवल स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। बिल्कुल गलत बात है भाई, स्त्री की भूमिका नहीं, बल्कि किसकी होती है, नर की, क्योंकि नर में एक्स और वाई दो प्रकार के क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और इस आधार पे हम नर और मादा की बात करते हैं। ध्यान देना, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका पुरुष की है, महिला की नहीं है। इसके बाद लिखा, स्त्रियों में दो एक्स होते हैं, बिल्कुल सबको पता है स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो आप लगा सकते हैं बिल्कुल बिना किसी तनाव के, क्या ए और बी दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या होती है, क्या बताइएगा जरा, क्या व्याख्या सही लग रही है आपको, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत होगा, ये होने वाला नहीं है, पहला तो गलत है और दूसरा सही है, तो यहां क्या लगा सकते हैं कि ए गलत है और आर सही है, बिल्कुल सही जवाब, यानी कि आप सही उत्तर देंगे 11 का डी सही उत्तर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमने अभी तक पिछले 15 से 20 सालों में जैव प्रौद्योगिकी से या बायोटेक्नोलॉजी से आए हुए सवालों को आपके सामने रखा, ऐसे ही सवाल आपको समीक्षा अधिकारी में और राज्य स्तर की परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा इसके साथ और जाना कि इसके सवाल कैसे होते हैं और इनसे जुड़ी हुई और जो इधर उधर की बातें हैं वो भी आपने जाना और आपका नोट्स भी तैयार हुआ होगा। तो आज के सत्र में इतना ही था, मिलते हैं कल ठीक 3 बजे, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार, थैंक यू।